और जो लोकलू यहाँ मिलेगा तिजारा तहसील वाला लू तो ना तो फजल आएगा तो मतलब वो सगला टिकट पे पड़ेगा। तो फिर इमरान तो भी तो है, इमरान तो खड़ा होगा, उसके देंगल अपना हवा के देगी। देंगल तो सगली छत में बसी हुई है ना, या किसी यही घर में बस दो 8-7, उसको कैसे देगी देंगल टिकट पे पड़ेगी जब। वो तो समाज के लिए बहुत सारे काम कर रहा है ना, दूसरी पार्टी से तो है ना, वो तो टिकट पे पड़ेगी ना। टिकट मिल जाएगा जब योबीआई टिकट की देगा, तो चुनाव नहीं लड़ेगा क्यों? चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस सरकार आएगी, इमरान अगर दिलावर सरपंच को टिकट मिले तो इमरान बैठ जाएगा चुनाव। जिसको कांग्रेस का वो मिलेगा टिकट उसको देंगे। संदीप यादव लिखा रहा टिकट, हाँ तो उसी को देंगे। काम होगा जब टिकट आएगी जिसका हाथ में काम करे। अब नहीं है कि कांग्रेस का नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ अब तो, कोई नहीं जी कुछ है? कुछ नहीं जब तो कोई काम नहीं हुआ अब तो, कुछ काम हुआ नहीं अब तो कुछ। भाई जी हमारा जो संदीप यादव है इसने हमारे कोई काम नहीं करवाया, आपके आएगा तो उससे हम इस बात को कहेंगे, एक भी काम नहीं करवाया एक भी, बताओ बताओ। तो फजल ले आएगा जब उसके साथ लग जाओगे? हाँ जी। तो फिर 10 साल से क्यों हरा रहा फजल को? फजल को उसको कांग्रेस की टिकट नहीं थी उसके पास, कांग्रेस की टिकट लेके आएगा तो उसके साथ रहोगे पक्का पक्का। क्या करे भाई, इमरान बिठावे या इमरान लड़ावे तो बाद में समाज देखेगी वो चीज़। तिजारत तहसील में एक दिलावर सरपंच ऐसा चेहरा है जो 36 कौम की वोट उठा रहा है, एसी समाज, गुजर समाज, हाँ जो 3-4 समाज, तो उसका टिकट मांग रहा है उसके साथ। टिकट लोकल को मिले, किसी को भी मिले और उसके साथ रहेंगे। लोकल में सरपंच साहब के लिए मिले, 36 बिरादरी से वोट उठा रहा है, बढ़िया कैंडिडेट है, साफ छवि का बेदाग है, युवा नेता साजिद खान, तो लोकल के साथ है। कांग्रेस सबके पार है, पूरी बिरादरी 3600 लोकल के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 TV नेटवर्क राजस्थान और लगातार गांव गांव में लोगों के बीच में जा रहा हूं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल है। और आज मैं गोंधाण गांव में बैठा हूं और लोगों से बात कर रहा हूं कि क्या है माहौल आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोरा पार्षद। तो क्या रहेगा इस बार, किसकी कांग्रेस सरकार आएगी? कैसे लागू कांग्रेस? कांग्रेस आ जाएगी। हर बार तो हार रही, 5 साल हो गए, 10 साल होगा जब वो फजल हरा देगा आपके नाल में फजल। अच्छा, यहाँ में भी बहुत लोग मांग रहे हैं टिकट। मांगने को तो इतना कितना ही मांगो, वो तो टिकट तो ये कोई नहीं मिलेगा। टिकट जिसको मिलेगा टिकट जाएगा, जिसके साथ रहेंगे। तो इमरान भी तो खड़ा होगा फिर टिकट, तो भाई एक को ही मिलेगा, लेकिन इमरान भी तो है मैदान में, वो ना वो वक्त कहाँ रहेगा? इमरान अगर दिलावर सरपंच को टिकट मिले तो इमरान बैठ जाएगा चुनाव। दिलावर को टिकट नहीं मिली जबकि जब समाज देखेगा तो क्या होगा, क्या रहेगा फिर? वो तो बाद में समाज देखेगा तो क्या रहेगी, सरपंच के सामने ना लड़े कोई भी। अच्छा, आप बताओ क्या कह रहे हैं भाई? है? भाई जी जिसको कांग्रेस का वो मिलेगा टिकट उसको देंगे, कोई भी ले आ जाए, किसी को मिल जाए। हाँ, तो संदीप यादव लिखा रहा टिकट, हाँ तो उसी को देंगे, जो कांग्रेस का टिकट लाएगा उसको मिलेगा। हाँ जी, कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता? नहीं जी, इमरान जी लोगों में काम कर रहा है, लोग कह रहे हैं भाई बहुत काम कर रहा है। कांग्रेस का जो टिकट लेगा आएगा उसके लिए देंगे जी, स्पष्ट बात उसके साथ में। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं गोंधाण गांव में हूँ, यहाँ के भी इसी गांव से भी लोग टिकट मांग रहे हैं। अब उनका क्या रहेगा, उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप बताओ क्या नाम है आपका? शौकीन। तो क्या रहेगा इस बार? इस बार जी जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ जी, जो भी लगे। यार बहुत सारे मांग रहे हैं, आखिर कौन मेरे को टिकट मिलेगा? 35 आदमी है टिकट मांगने वाला। जो जिस पास आएगी टिकट उसके साथ है जी, कांग्रेस के साथ रहे? हाँ जी, कांग्रेस साथ है जी। तो इन 5 सालों में कांग्रेस से काम किए हैं क्या आपके यहाँ? काम होगा जी जब टिकट आएगी जिसका हाथ में काम करे। अब नहीं है कि कांग्रेस का नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ अब तो, कोई नहीं जी कुछ कुछ नहीं जब तो, कोई काम नहीं हुआ अब तो, कुछ काम हुआ नहीं अब तो, कुछ काम नहीं हुआ। कांग्रेस पैसे आएगा? हाँ इस पैसे। अरे आप आप तो क्या लगता है? भाई जी हमारा जो संदीप यादव है इसने हमारे कोई काम नहीं करवाया, आपके आएगा तो उससे हम इस बात को कहेंगे, एक भी काम नहीं करवाया एक भी, बताओ बताओ। इसीलिए क्या लोकल आदमी चाहिए? हाँ पक्का चाहिए लोकल। लोकल में तो घने ही लोग मांग रहे हैं, किसको मिलेगा? अच्छा, कांग्रेस का जिसको मिलेगा टिकट उसको देंगे। तो संदीप तो लोकल था? हाँ तो संदीप लोकल, आपका अगर गांव में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो लोकल के साथ, यानी किसी को टिकट मिल जाए जी तो फजल लिया आएगा जब उसके साथ लग जाओगे? हाँ जी। तो फिर 10 साल से क्यों हरा रहा फजल को? फजल को उसको
कांग्रेस की टिकट नहीं थी उसके पास, कांग्रेस की टिकट लेके आएगा तो उसके साथ रहोगे पक्का पक्का। तो आप देख रहे हैं तो लोगों का क्या क्या कहना है, लगातार लोग के बीच हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लोकल लोकल लोकल, अब लोकल क्या रहेगा, टिकट किसको मिलेगी, ये आला कमान तय कराएगा कौन सक्षम है टिकट आएगी, कांग्रेस कांग्रेस की टिकट मिले कांग्रेस की आएगी, हाँ कांग्रेस किसी को मिले जो भी मतलब सर्व समाज से पूरी समाज से वोट उठाएगा जो कैंडिडेट वही उसी के लिए। इमरान नहीं खड़ा होगा कि इमरान भी तो आया है लोकल लिए, अगर जो दिलावर को टिकट मिलेगा तो इमरान नहीं खड़ा होएगा ना फजल खड़ा होएगा, अगर दिलावर को टिकट नहीं मिलता तो क्या होगा, किसी दूसरे को टिकट मिल जाता कांग्रेस टिकट साथ है वो साथ है, यानी समाज कांग्रेस साथ रहेगा किसी को भी टिकट मिल जाए कांग्रेस साथ रहेगा, तो बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों को भी, हम तो साजिद दिलावर के लिए बोल रहे हैं क्यों पूरे से वही उठा रहा है वोट। क्या नाम है आपका? मजीद। मजीद तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, कांग्रेस आएगी अगर कैंडिडेट सही मिल 36 जो वोट जिसने दिए उसको उसको टिकट देगी तो मजबूत को तो कांग्रेस आएगी, तो यहाँ में मजबूत तो बहुत लोग है टिकट मांगने वाले, मजबूत तो टिकट तो एक ही मिलेगा कांग्रेस के लिए, टिकट में पड़ेगा सब। तो इन 5 सालों में जो कांग्रेस निकली है 4.5 साल निकल के, तो काम हुए हैं क्या? वो काम तो हुआ या ना हुआ आगे समझ में, हुआ तो सब को हुआ, ना हुआ तो कहीं को ना हुआ, अगर जो धुर्रू है उसका बदले तो यो खड़ा हुआ था, वो भी बाहर का यो भी बाहर का, कौन फजल, अगर धुर्रू को टिकट नहीं मिलेगा उसको दे ही नहीं रहा सगला नाट का, और जो लोकल लू यहाँ मिलेगा तिजारा तहसील वाला लू तो ना तो फजल आएगा तो मतलब वो सगला टिकट पे पड़ेगा, तो फिर इमरान तो भी तो है, इमरान तो खड़ा होगा उसके देंगल अपना वाके देगी, देंगल तो सगली छत में बसी हुई है ना या किसी यही घर में बस दो 8-7 उसको कैसे देगी देंगल, टिकट पे पड़ेगी जब, वो तो समाज के लिए बहुत सारे काम कर रहा है ना, दूसरी पार्टी से तो है ना वो तो टिकट पे पड़ेगी ना, टिकट मिल जाएगा जब यो भी आई टिकट की देगा तो चुनाव नहीं लड़ेगा कि इमरान? चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा है क्या कह रहे हो? दिलावर सरपंच के खिलाफ इमरान नहीं लड़ेगा चुनाव उसका? अरे दिलावर को टिकट नहीं मिलता तब की बात कर रहा हूँ, वो तो समाज देगा कि फिर बाद में, वो तो पूरी समाज है भाई, पूरी तहसील बच रही है, क्या करे भाई, इमरान बिठावे या इमरान लड़ावे तो बाद में समाज देगी वो चीज़, तो इसी सारे रहेगा। हाँ कुल मिलाकर तिजारत तहसील में एक दिलावर सरपंच ऐसा चेहरा है जो 36 कौम की वोट उठा रहा है, एसी समाज गुजर समाज हाँ जो 3-4 समाज तो उसका टिकट मांग रहा है उसके साथ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर, हर नेता के जो समर्थक हैं वो अपने अपने नेताओं के नाम ले रहे हैं, अब टिकट तो ये डिसाइड करेगा आला कमान किसको देगा और क्या ये समाज उसके साथ टिकट के साथ लगेगा या नहीं लगेगा, ये आने वाला वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और लोग हमारे साथ बात करेंगे, और कौन कांग्रेस की वोट देंगे, कांग्रेस के अपने अगर जो दिलावर सरपंच को टिकट मिलता है तो सरपंच की जीते टिकट निकल सकता है, बाकी देखेंगे तो कांग्रेस का टिकट जिसको देगी उसके साथ वोट कांग्रेस के देंगे, तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस टिकट किसी को कोई भी मिल जाए तो कांग्रेस घने लोग मांग रहे हैं, हाँ तो अपने अगर सरपंच को मिलता है तो टिकट पा, उसको नहीं मिलता तो देखेंगे समाज जैसे समाज करेगा 36 बिरादरी बैठ के करेगी वैसे करेंगे, तो इमरान तो मैदान में वो तो टिकट मिले ना बोले बसपा से आ रहा है उसके साथ नहीं लगोगे क्या? नहीं उसके साथ नहीं, अगर जो उसको वोट अगर कांग्रेस को टिकट सरपंच को मिलता है तो ठीक है, नहीं अगर वो देखेंगे फिर जहाँ भी समान जाएगा देख लेंगे। यार इमरान तो समाज के लिए इतना काम कर रहा है, आप बताओ भाई साहब, आप बताओ क्या लगता है, वास्तव में सही कह रही है? नहीं टिकट लोकल को मिले किसी को भी मिले और उसके साथ रहेंगे, और लोकल में सरपंच साहब के लिए मिले 36 बिरादरी से वोट उठा रहा है, बढ़िया कैंडिडेट है, साफ छवि का बेदाग है, युवा नेता साजिद खान, तो लोकल के साथ है कांग्रेस, सबके पार है पूरी बिरादरी 36 लोकल के साथ है। सिंगे हाँ मैं भाई दिलावर सरपंच के साथ हूँ, कांग्रेस की टिकट मिली तो अच्छा, और 36 बिरादरी इसके साथ है, साफ छवि का नेता है, बढ़िया काम करवा रखा है इसने पहले भी। तुम लोग इसलिए कह रहे हो दिलावर यहाँ किसी गांव का है इसलिए सब लोग कह रहे हैं क्या? गांव का है लेकिन कोई शिकायत के बैठे में जमशेद आ रहा है क्या बेटा, सब बैठ जाए यहाँ पैसा लगता है क्या? ना ना मैं तो वैसे कुछ ना, मैं तो यहाँ तक निकल रहा हूँ, ना या इसीलिए कह रहे हो कि भाई हमारे गांव का है इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, जो रियल हकीकत वो बताओ ना। पूरा समाज गहल है उसके, 3600 बिरादरी गहल है, 3600 बिरादरी में से वोट लेगी और बढ़िया, हाँ बढ़िया साफ छवि का नेता है।
हम तो उसी के देंगे उसके साथ है। आप बताओ लोकल के साथ हम कांग्रेस को टिकट होनी चाहिए चाहे कोई भी खड़ा हो। मैं मान लो लोकल के साथ है लेकिन लगातार 10 साल से कांग्रेस हार रही है, क्या इन जो 4.5 साल निकल के कांग्रेस काम हुए क्या इनमें? काम होवे चाहे ना होवे नजीक की वजह से चाहे कैसे लोकल कोई भी खड़ा हो कांग्रेस को ही वोट दे, कोई भी होवे चाहे मत होवे तो ये चाहे हार जाए हार तो हार तो रही है 10 साल से हार तो रही है। आप बताओ क्या लगता है? देखो जी ऐसा है जो सरपंच है और भी बहुत ज्यादा खड़ा है ना, बाकी कांग्रेस को टिकट सरपंच को मिले है तो बहाल हो ही हो ना, तो और तो ऐसा ही यहाँ इमरान भी खड़ा है, अगर सरपंच को नहीं मिले तो इमरान भी कोई ऐसी बात ना है, इमरान लड़ेगा बाई चांस नहीं मिला टिकट इमरान, मान लो इमरान ही टिकट लिया आता तो क्या होगा? इमरान ले आएगा तो इमरान के साथ, और दिलावर टिकट लिया आता तो दिलावर के साथ तो इमरान खड़ा नहीं होगा क्या? कौन इमरान लड़ेगा? नहीं वो तो कह रहे मैं तो लड़ूंगा, एक लड़ेगा वो तो, मैं कह रहा लड़ूंगा मैं तो अलग पार्टी का, एक लड़ेगा सरपंच को टिकट मिल गो तो इमरान नहीं लड़ेगा, इमरान को टिकट मिल गो तो सरपंच की टाड़ होगी, और सरपंच को टिकट नहीं मिले जब इमरान लड़ेगा भाई, सरपंच को टिकट नहीं मिलते दिलावर को किसी दूसरे को नहीं मिलती है तो जाएगी वो एक वो तो पूरी समाज देखेगी, या वालू नहीं मिलेगो या मिलेगो वो तो फिर सोची जाएगी बात किसको क्या होगा। हाँ बाकी फिलहाल वो बनेगा जो 36 बिरादरी की वोट उठाएगा, ऐसा एक कैंडिडेट सरपंच दिलावर साजिद है नाम है, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, अभी तो कांग्रेस की है तो अभी का काम हुआ, खूब रोड बना दिया हमारा, रोड मंजूर कर दिया, रोड काम चालू होने वाला है, कांग्रेस आनी चाहिए, लोकल आना चाहिए, कांग्रेस में टिकट लोकल को मिलना चाहिए, लोकल में तो बहुत लोग मांग रहे हैं टिकट, अपना सरपंच दिलावर सरपंच को मिलना चाहिए टिकट। तो आप देख रहे हैं कि आज मैं गोधाण गांव में हूं और लोगों से मिलने आया हूं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा, और आपने सुना और किस किस के लोग जो समर्थक हैं, जो नेताओं के समर्थक हैं, वो अपने अपने समर्थन को नाम ले रहे हैं कि आप उनको टिकट मिलेगी उनको नहीं मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, आलाकमान तय करेगा कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। लगातार हम दिखाएंगे आज गोधाण गांव से कि कल किसी दूसरे गांव से दिखाऊंगा क्या है माहौल। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।